नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमे टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। एक नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक घटना, दो बच्चों के साथ मां ने कुएं में लगाई छलांग, डूबने से तीनों की मौत। मुरैना में नए फ्रिज का फटा कंप्रेसर, ब्लास्ट से मकान के पीछे का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचा परिवार। एकांतवास से वापस लौटे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सनातन धर्म पर लिखी किताब। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो से तीन माओवादियों के मारे जाने की खबर, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट, कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर, बिलखिरिया टीआई बीपी सिंह समेत तीन लाइन अटैच। ग्वालियर में एमबीबीएस डुप्लीकेट मार्कशीट मामले में बड़ा खुलासा, युवती निकली ड्रग सप्लायर, प्रेमी है मोस्ट वॉन्टेड आरोपी। भोपाल के शाहपुरा में नशेड़ी युवती ने जमकर किया हंगामा, खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए पुलिस को धमकाया। जबलपुर में योगा डे पर रिकॉर्ड 1.5 लाख लोगों ने किया योग, उपराष्ट्रपति बोले स्वस्थ जीवन की पूंजी है योग। छत्तीसगढ़ के फेमस सिंगर जाकिर हुसैन का दिल का दौरा पड़ने से निधन, स्टार वॉइस ऑफ इंडिया से मिली थी पहचान। इंदौर में दंपति ने जहर खाने का लाइव वीडियो बनाया, पत्नी की मौत, पति गंभीर, अपर कलेक्टर का लिया नाम। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।